हेलो ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिवाली डेकोरेशन के लिए ड्राई ब्रांच से लाइटिंग ट्री बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये ड्राई ब्रांच ली है और इसको मैं ब्लैक कलर करने वाली हूँ। और ब्रांच को कलर करने के बाद हम ऐसी डिस्पोजल बॉटल जो मस्टर्ड ऑयल की आती है उसके ऊपर का पोर्शन कट कर लेंगे सेम शेप में। और इस तरीके से मैंने बना के रखा है। ऐसे कट करने के बाद हम ट्रांसपेरेंट टेप से उसको रैप कर देंगे। तो इससे मैं इसको कैंडल स्टैंड बनाऊंगी ट्री में हैंग करने के लिए। और ये मैंने कट कर लिया है उसका ऊपर का पोर्शन, और मैं इसको ट्रांसपेरेंट टेप से ऐसे जॉइंट कर लूँगी। तो ये मैंने सेम कैंडल स्टैंड बना के रख लिए है और मैंने टेप से अच्छे से रैप किया हुआ है इसको। तो अब हम बनाएंगे ट्री के लिए लीव्स। तो उसके लिए मैंने ये फोम शीट ली है। आपके पास फोम शीट नहीं हो तो कार्डबोर्ड ले सकते हैं और उस पर मैं लीव ड्रॉ करूँगी। ऐसे ही हम 10 लीव्स बनाएंगे और उसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए फोम शीट से मैंने लीव्स बना लिए हैं और मैं इनको कलर करूँगी, ब्लैक कलर ही करूँगी उस पर भी। एक कैंडल स्टैंड जो मैं बनाने वाली हूँ उसके बेस के लिए मैं थिक पेपर लूँगी और उसका सर्कल में हम कट कर लेंगे। इसकी साइज़ का सर्कल ड्रॉ करके मैं कट कर लूँगी और उसके बेस में हम ये कार्डबोर्ड का सर्कल स्टिक कर देंगे। ऐसे हम इसको स्टिक कर देंगे, सेम वैसे ही सर्कल बना के इसके इसमें भी हम स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद आप ये ज़रूर देख लीजिए कि ये बैटरी, क्योंकि इसमें हम बैटरी वाले कैंडल्स ही यूज़ करने वाले हैं, तो ये इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये इसमें पूरा जा रहा है। उसके बाद ये मैंने ग्लू प्लस वाटर लिया है और मैंने इसको थोड़ा सा शेड देने के लिए एक ड्रॉप ब्लू कलर मिक्स किया है। और उस और मैं किचन पेपर टॉवल से इसको टेक्सचर देने के लिए इसमें लगाऊंगी। आपको टेक्सचर फ्लावर जैसा टेक्सचर देना है तो इसको थोड़ा प्लेट्स को लगाते जाएंगे, ऐसे प्लेट्स करेंगे, हल्की हल्की प्लेट्स इसमें आएंगी तो उसमें थोड़ा फ्लावर जैसा लुक आएगा। तो ये देखिए ये मैंने ऐसे प्लेट्स दिए हैं हल्की हल्की, तो ये फ्लावर जैसा लुक आएगा। और एक्चुअली मैं किचन पेपर टॉवल इसलिए यूज़ करती हूँ कि वो थोड़ा सा थिक रहता है और ड्यूरेबल रहता है, और हम नॉर्मल यूज़ करेंगे टिश्यू तो वो तुरंत फट जाएगा। तो ये देखिए बनने के बाद ऐसा लगेगा। अब इसको हम ड्राई होने देंगे। और ये थोड़ा ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद मैं स्काई ब्लू 3D आउटलाइनर से इसमें हल्के हल्के डिज़ाइन दूँगी। और मैंने ये सिल्वर और स्काई ब्लू आउटलाइनर से इसको डिज़ाइन दिया। ये ऑप्शनल है, आपको डिज़ाइन देनी है तो दे सकते हैं, नहीं तो प्लेन भी रख सकते हैं। तो डिज़ाइन देने के बाद अब हम इसका बेस बनाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ट्री में हैंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका फ्लावर बना रही हूँ, फ्लावर जैसा लुक दे रही हूँ, इसलिए मैं इसका लीव्स वाला बेस बनाऊँगी। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है और इसको कट करके मैं इसमें ब्लू कलर करके इसमें स्टिक करने वाली हूँ। ये फोम शीट जो मैंने इसका कट किया था फ्लावर का, उसमें मैंने ब्लू से आउटलाइन कर दी और इसमें मैं इसको स्टिक कर दूँगी तो ये फ्लावर वाला लुक लगेगा। तो देखिए ये कैंडल होल्डर्स बनके तैयार हो गए हैं और अब मैं इनकी लीव्स को तैयार करूँगी। और जो लीव्स मैंने, क्योंकि ब्रांच में ब्लैक कलर किया, इसलिए मैंने सारी लीव्स को ब्लैक कलर किया है और मैं इसको गोल्डन मेटालिक कलर से इसको आउटलाइन दूँगी। ऐसे हल्का हल्का हम गोल्डन से शेड देंगे। और ये मैंने सारी लीव्स को ऐसे गोल्डन शेड दिया है, पहले ब्लैक कलर किया है और फिर गोल्डन शेड दिया है। और जो मैंने ये ब्रांच को ब्लैक कलर किया था उसमें भी मैं हल्का हल्का गोल्डन शेड दूंगी, तो दिन में भी बहुत सुंदर लगेगा इसलिए वो। और ये मैंने इसमें गोल्डन शेड दिया है, पूरा गोल्डन नहीं करना, कहीं कहीं करना है तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसको असेंबल करके आपको दिखाऊंगी। और ये ट्री मैंने पूरा असेंबल कर लिया है और असेंबल होने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पता नहीं वीडियो में कैसा लग रहा है लेकिन रियल में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आपको ये मेरा आइडिया अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।